सर मैंने तो आपको सॉल्व करके तो नहीं दी है, लेकिन सॉल्व करके रख लिया है मैंने, आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा। आप के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो एक मैंने ट्रायंगल दिया था आपको, जिसमें ये बोला था कि इसका ये एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों इक्वल है और यहां से ये एंगल इसका डबल है। अगर ये एक्स है तो मतलब ये एंगल इसका डबल है, ध्यान रखना ये 2x, यानी जो साइड है ये इसके इक्वल है। आपको फाइंड करना ये तीनों, मतलब ये जो एंगल ए की वैल्यू क्या है, एंगल ए की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला था। देखो अब मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूँ। सपोज इसकी वैल्यू है वाई वाई, यानी 2y इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू क्योंकि हाफ एंगल है, एक को y माना तो दूसरा भी y हो गया। यहां से हम क्या करते हैं, इसका बाइसेक्टर बना देते हैं b का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा, ये x x हो जाएगा। क्लियर हो गया, x x, और इसके नाम हम डाल देते हैं e। अच्छा मेरे को एक बात बताना, क्या बी ई सी ट्राइंगल बी ई सी आइसोस्केलेस है या नहीं? क्या ट्राइंगल बी, क्यों देखो एक्स एंगल आ रहा है यहाँ, एक्स आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो गए तो उसके सामने वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। तो इसके सामने आ रहा है बी ई साइड और इसके सामने आ रहा है सी ई साइड, तो बी ई साइड सी ई साइड के इक्वल हो गए। बच्चों ये समझना आया आप लोगों को, यस या नो? देखो BE साइड और CE साइड क्यों इक्वल हुई, क्योंकि CE साइड के सामने एंगल x आ रहा है और BE साइड के सामने भी एंगल x आ रहा है। अगर एंगल इक्वल होते हैं तो सामने वाली साइड इक्वल हो जाती। अब आपको क्या करना है, मैं यहां से ज्वाइन कर रहा हूं BE BAC। अब आपको यहां मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, क्या ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ABE क्या कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEC के? जब चेक करके देखो ABE और DEC क्या कॉन्ग्रुएंट है, जब चेक करके देखो क्या ये ट्रायंगल ABE DCE के कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये बस चेक करो। स्वयं से बताओ, है सर? कौन से रूल से हुआ, अगर है तो कौन से रूल से? सर ऐसे ऐसे शायद एस ए एस आई पक्का। देखो डीसी साइड ऐसे ऐसे सर, याला एंगल इसके इक्वल एक्स एक्स, और ये सीई साइड अभी हमने थोड़ी देर पहले बीई के इक्वल किया, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। सीपी सीपी से बचे हुए साइड इक्वल हो जाएंगे। थर्ड साइड इसकी ये बची और इसकी इस ट्राइंगल की थर्ड साइड ये बची, तो ये दोनों इक्वल हो रहे। दूसरा थर्ड एंगल भी इक्वल होगा सीधी सीधी से, ये पूरा एंगल जो ए है वो पूरा इसके इक्वल आ गया सीपी सीधी, क्योंकि ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। ये पूरा 2y है तो ये भी आपका 2y हो गया पूरा, याद है? क्लियर हुआ? अच्छा अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ए डी ई आइसोस्केलेस ट्रायंगल है? ए डी ई आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, यस या नो बोलना धर्मराज? यस सर। यस आइसोस्केलेस है तो कौन सी दो साइड्स इक्वल है बताओ? ए ई और ई डी। वेरी गुड, देखो ए ई और डी इक्वल आ रहा है तो ये ट्रायंगल आइसोस्केलेस हो गया। तो इसके सामने जो एंगल आ रहा है ये एंगल आ रहा है और इसके सामने एंगल वाई आ रहा है, तो ये दोनों वाई वाई हो गए, ये भी वाई ये भी वाई, ये हो गया हमारा। अब यहां पर आते हैं हम ट्राइंगल ए बी डी को सिलेक्ट करते हैं। ए बी डी इस ट्राइंगल को हमने सिलेक्ट किया पूरा। अब देखोगे ये पूरा एंगल कितना है, 3y। बता सकते हो ये एंगल किसका सम है? एक्सटीरियर एंगल है ये। अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ये ट्राइंगल 2x का, ये पूरा एंगल 3y किसका सम है बता सकते हो? 2x और y। वेरी गुड, ये एंगल 2x और y के इक्वल है। प्लस 2x मिला के ये 3y हो गया, तो आपने 3y लिखा y प्लस 2x, y को इधर लेके 3y माइनस y इज 2y इज 2x, y इक्वल टू x, यानी y और x की वैल्यू सेम आ गई।
यानी सारे y x के बराबर है, तो आपको क्या करना है, हर y x के लिए y डाल दो, क्योंकि हर x y के इक्वल है। अब देखो ये सभी एंगल देखें, एंगल a, एंगल b, एंगल c का सब 180 होता है, तो हमने लिखा एंगल a 2y, एंगल b 2y, एंगल c y इक्वल टू 180, 5y इक्वल टू 180, y इक्वल टू 180 बाय 5 36, तो सारे y 36 हैं, तो 36 प्लस 36 72 हो गया, तो एंगल a आपका 72, एंगल b 72, एंगल c 36, सारे एंगल आपने फाइंड कर लिए। बच्चों ये समझ लो, सर मैंने तो इससे भी इजी किया है। भले आपने इजी किया, लॉजिक तो लगाना ही पड़ेगा, बिना कॉन्ग्रुएंसी के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो आपकी जो क्वेश्चन आए रानी मैंने देखे वो है इजी, लेकिन आप लोगों को ट्रिक्स लगाने पड़ेगा। जैसे देखो रानी के कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो रानी ने एमसीक्यू के क्वेश्चन में से बताए, आप लोग जो सोचना है बहुत आसान, लेकिन आप लोग किस तरह से सर देखो ये सर हाँ बोलो बता सर, आपने जिस तरीके से 72 डिग्री लिखा लो उससे तो मैंने पूरा अलग तरीके से निकाला है। तो दिखा दो, व्हाट्सएप कर देना तुम, मैं चेक कर रहा हूं। ओके सर, ये दिया है 2 बाय से आई थिंक 2 बाय 3 प्लस 512 2 बाय 3 रेस टू, रानी देख ले ये क्वेश्चन करेक्ट है फर्स्ट वाला, चेक कर लेना। और ऊपर क्या दिया, पावर थोड़ी सी दिख नहीं रही है, 1/2, ये पूरा आंसर आपका, या तो इसका आंसर 14 है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका 100 है, सी ऑप्शन इसका 12 है, डी ऑप्शन इसका 10 है, ये आपको बताना इसका ऑप्शन क्या, कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 216 6 का क्यूब होता है, 6 का क्यूब 2/3, 512 इसका 8 का क्यूब होता है 2/3 रेस टू 1/2, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का 36, 8 का 64, 36 प्लस 64 100, 100 का स्क्वायर रूट, 100 10 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट क्या तो 10, इसका करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपका आंसर, इसलिए आप ना उसके एंडिंग तक पहुंचा करो, ऊपर ऊपर से देखो आंसर नहीं आएगा आपको। जैसा ये देखो ये क्वेश्चन तो खैर इजी है, जो मैं नेक्स्ट बता रहा हूं, √32 + √2 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट है, देखो रानी यही है कि कुछ और क्वेश्चन है, यही है सर, इसके ऑप्शन में एक दिया है, इसको ऑप्शन सर डिवाइड का साइन है बीच में, क्या किसका साइन है सर, 8 इज द आंसर, 8 इज द आंसर सर, डिवाइड करना है, डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन है। अब देखो 32 डिवाइडेड बाय √2, 30 मतलब रूट कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, 4 is the answer. 16-4, तो इसका ऑप्शन 4 आ जाएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। रानी आपने क्या लिखा था आंसर, चलो वो तो मैं देख रहा हूँ क्या है आपका ए ऑप्शन, सर 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, 4 है ना, हाँ सर 4, सर 4 था, मैंने ऑप्शन में नहीं है, हाँ ये तो है 4 दिया हुआ है बेटा, 4 दिया हुआ है, हाँ सर सी ऑप्शन है, इसके बाद दिया है क्या, √2 इज ए पॉलिनोमियल, रूट टू एक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है बता सकते हो, रूट टू की डिग्री 1/2, 1/2 ये है 0, क्योंकि x है नहीं, x नहीं है तो कांस्टेंट नंबर है, पॉलिनोमियल का मतलब x का वेरिएबल, x है नहीं तो ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, इसकी वन इसकी पावर 1/2 नहीं होगी, क्योंकि ये जो वेरिएबल x यूज हो रहा है वो x का पावर कितना, x का पावर 0, इसको कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है। देखो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें आप लोगों को क्लियर नहीं है, यस सर गलती हो गई सर, ऐसे गलती नहीं चलेगी। तो पेपर पूरा एमसीक्यू आया था क्या तुम लोग का, पूरा एमसीक्यू हाँ, कितनी देर का था,
2 घंटे हमारा तो 45 मिनट्स होगा शायद सर बोल रहे थे। ओके अच्छा ये बताओ एवरी रैशनल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इंटीजर रियल नंबर या होल नंबर? रियल नंबर। रियल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और रानी सर मुझे नंबर्स नहीं आते रैशनल और होल रियल। देखो मैं बता रहा हूं जो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं होल नंबर होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। नेचुरल नंबर होती है वो 1 से स्टार्ट 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। और जो इंटीजर्स होते हैं वो 0, -1, -2 अप टू माइनस इंफिनिटी 1, 2, 3 अप टू प्लस इंफिनिटी। और जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं p/q फॉर्म में होते हैं। वो होल भी होते हैं नेचुरल भी होते हैं इंटीजर्स भी होते हैं डेसिमल्स में भी होते हैं सिर्फ नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। तो ऐसे नंबर सिर्फ रियल नंबर्स होते हैं क्योंकि वो होल नंबर भी सारे कंटेन करते हैं नेचुरल भी होता है इंटीजर भी होता है साथ से साथ। और ये सब पूरा सर उसका एक दूसरा रीजन भी है सर इसका नंबर है रियल नंबर्स है बिल्कुल सही ऑप्शन बोलो सर। रियल नंबर जो होता है सर वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंबाइंड जो रेशनल नंबर्स होते हैं इरेशनल नंबर दोनों का जो मिक्सअप होता है उससे सर रियल नंबर बनता है तो वो तो इक्वल होगा ही ना। तो रियल नंबर होता है रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है दोनों मिला दें तो रियल नंबर बनते हैं बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन है ये मैंने आपको क्वेश्चन मैंने दिया था मार्कशीट में भी दिया था 2x + 3y = 6 ये y एक्सिस में कहां मीट करेगा बताओ y एक्सिस में कहां मीट करेगा इट मीट y एक्सिस एट विच पॉइंट। देखो कभी भी y एक्सिस चाहिए तो हमेशा x को जीरो कर दो y एक्सिस में जीरो होता तो x के लिए जीरो डाल दो 0 3y = 6 ये पूरा जीरो हो गया 3y = 6 y का वैल्यू 6/3 2 तो ये 0, 2 पर मीट करेगा जो कि रानी आपका ऑप्शन गलत हो गया आपने ऑप्शन लिखा है बी जो 0, 3 वॉन्ग ऑप्शन है 0, 2 डी इसका करेक्ट ऑप्शन था। कभी भी y एक्सिस में मीट करे तो आपको हमेशा x को जीरो कर देना है अगर x एक्सिस में बोले तो हमेशा y को जीरो करके x ढूंढना होगा। हाँ यही क्वेश्चन बोले x एक्सिस में कहां मीट कर रहा है तो आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है सॉरी मैं बोल देता हूँ सर हो सकता है मेरा कुछ दिख देखो अगर x एक्सिस में पूछे तो हमेशा y को जीरो कर देगा जैसे y को जीरो तो पूरा हट गया 2x = 6 x का वैल्यू 3 तो ये 3, 0 x एक्सिस का पॉइंट है और y एक्सिस में पूछे तो x को जीरो करके y का वैल्यू ढूंढना। आ रहा मेरा मेरी आवाज आ रही कि नहीं अभी आप लोगों को जैसे ये देखो एक फैक्टराइज का क्वेश्चन है ये रानी थोड़ा सा बेटा ब्लड आ रहा है तुम्हारा क्वेश्चन दिख नहीं रहा क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा मेरे को चलो कोई नहीं नेक्स्ट देखो जो दिख रहा है वो मैं देख लेता हूँ। सर ये वाला जो भी रानी का सर जो क्वेश्चन पेपर है सर वो मेरे को साइन कर दोगे आप? हाँ बेटा मेरे को नहीं दिखा तुम्हें कैसे दिखेंगे वो तो सर मैं कुछ कर लूंगा जुगाड़ कर लूंगा सर। ओके देखो इसमें क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक टैक्सी वाला एक क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन पेपर इसमें आ गया है एक टैक्सी वाला क्या किराया ले रहा है कि पहले किलोमीटर के लिए वो 20 रुपीज ले रहा है और उसके बाद के लिए वो 6 रुपए पर किलोमीटर से ले रहे हैं तो आपको फाइंड करना है कि अगर उसने टोटल x किलोमीटर कवर किए y उसके लिए उसने y रुपीस पे किया तो उसकी इक्वेशन क्या होगी अगर और साथ साथ ये पता करो कि 10 किलोमीटर जाने के लिए उसने कितना रुपए पे किया। फिर से सुनो पहले किलोमीटर के लिए टैक्सी वाले ने 20 रुपए लिए उसके बाद जाने के लिए अगर उसके बाद जाते हैं नेक्स्ट किलोमीटर तो वो 6 रुपए ले रहा है फिर नेक्स्ट के 6 ले रहा है तो ये पहले किलोमीटर के लिए उसने 10-20 रुपए लिए। अब उसको लड़की जो भी टैक्सी वाला था उसने एक पैसेंजर से
10 किलोमीटर के लिए कितना पेमेंट लिया वो आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताया कि कैसे फाइंड करना है। पहले आप यहां लिखो ये पूरा किलोमीटर x किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर के यहां से यहां तक के लिए उसने 20 रुपए लिए और बचे हुए x माइनस वन के फर्स्ट किलोमीटर के लिए 20 रुपए, बचे हुए x माइनस वन के लिए 6 रुपए लिए और टोटल चार्ज उसने 1 रुपीज लिया है। तो टोटल चार्ज 12 रुपए लेगा वो 10 किलोमीटर के शायद तक। मैं बता रहा हूँ उसको बता रहा हूँ, पहले किलोमीटर के उसने 20 ले लिया, बचे हुए x माइनस वन किलोमीटर। आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। ओ सॉरी बेटा, मैं देख लेता हूँ, कर लेता हूँ। किसने बोला तो था लेकिन सर वो नेट का ना दिक्कत है इधर। चलो अभी देखो, अभी आवाज आ रही मेरी क्लियर? जा चेक करो मेरी yes, आवाज क्लियर? यस क्लियर है सर। फिर भी मैं एक बार इसको फिर से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, पहले किलोमीटर के लिए 20 रुपए, बचे हुए x माइनस वन के लिए 6 रुपए और दोनों मिला दें तो टोटल चार्ज का 1 रुपीज हो जाता है। तो 20 + 6x, 6 + 6 = y, 6x, 20 में से 6 माइनस किया 14, ये आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है। अब उसने बोला उसने 10 किलोमीटर कवर किया तो x में 10 पुट कर दो, 10 14, तो उसको कितना पे करना, 16 + 14 74 रुपए उसको पे करने पड़े। तो इसके लिए रानी आपको जो ऑप्शन दिया था, इसको ऑप्शन आपका था बेटा फर्स्ट ही ऑप्शन था, नहीं इसका है एक मिनट, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था बेटा और जिसमें 74 रुपीज भी आ रहा है। सर जो एक्स है वो टोटल डिस्टेंस है, एक्स है टोटल डिस्टेंस, यानी आप टोटल अगर x करें तो 10 तो 6 × 10 = 16 + 14 टोटल मिला के आपको 74 रुपीज पे करना है उसके लिए। सर एक डाउट है, बोलो सर, इधर x माइनस वन हमने किस तरीके से वैल्यू निकाला, उसका रीजन बता दो x माइनस वन क्यों। पहला किलोमीटर तो पेमेंट कर चुके हो, अब बचे हुए जो yes, sir. x माइनस वन बचे हुए उसके लिए 6 रुपए के हिसाब से दे रहे हो, तो x माइनस वन इसलिए टोटल में से 1 किलोमीटर आपने हटा दिया यानी x माइनस वन, उसको फिर 6 से इंटू किया तो ये बचे हुए किलोमीटर का मनी और ये 1 किलोमीटर, तो टोटल आपको चार्ज 1 रुपीज पे करना है। क्योंकि सर टोटल वाला जो हमारा किलोमीटर से पूरा टोटल डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है जो हमने x माना है, उसमें से 1 किलोमीटर का दे दिया इसलिए x माइनस बना है, इसलिए 10 डाला और इसलिए डायरेक्टली निकाल लिया। अगर आप वैसे देखें ओके सर, देख सकते हो पहले के लिए 20 रुपए और बचे हुए 9 किलोमीटर, अगर 9 के लिए 6 × 9 = 54 + 20 = 74 ही आएगा। अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी 74 ही रुपीज आएगा। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग ऐसी प्रैक्टिस थोड़ा सा फोकस करो। जैसा अब ये क्वेश्चन था √32 + √48 / √8 + √12, ये तो मैंने क्वेश्चन एग्जाम दिया था प्रैक्टिस के लिए, आप लोग नहीं करोगे देखो ऐसे सारे मेरे वर्कशीट के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो √32 + √48 / √8 + √12 इसका आंसर क्या होगा, क्या √2 आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा 2 होगा, क्या 4 होगा, क्या 8 होगा, इनमें से कोई एक इसका करेक्ट आंसर। तो हमने √32 को मिक्स फ्रैक्शन में क्या 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 216 सर रेशनलाइज नहीं करेंगे, नहीं मैं बताऊं ऐसे नहीं करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 2 2 2 1 2 2 के दो पेयर हैं तो 4√2 आया 32 है, 48 का देखते हैं कितना आ रहा है 2 16 2 8 2 4 2 नहीं 2 16 2 24 sorry 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 2 2 के दो पेयर बन गए तो 2 2 4√3 आ गया। नीचे सेम वैसे 2√2 और 2√3 आया, 4 कॉमन ब्रैकेट में √2 + √3, नीचे 2 कॉमन √2 + √3 2 कॉमन, ये पूरा कैंसिल हो गया 2 2 4 तो आंसर इसका 2 आ रहा है।
और रानी मैडम आपका ये भी रॉन्ग बैठ गया क्यों भाई या तो सर रैशनलाइज कब करते हैं रैशनलाइज कब करते हैं बेटा जब सिंपलीफाइड हो जाए उसके बाद अगर नीचे कुछ इरेशनल नंबर बचे तो रैशनलाइज करो अगर इरेशनल नंबर कुछ बच ही नहीं रहा है तो आप क्यों रैशनलाइज कर दो देखो सारे तो कट गए सिर्फ आपके पास टू बचे और टू तो ऑलरेडी नीचे वन रैशनल दिया वो क्यों इसको रैशनलाइज कर दो आपको ना पहले पूरा सिंपलीफाई करना उसके बाद रैशनलाइज कर सर लास्ट स्टेप आपका समझ में नहीं आया 2 into under root 2 plus वो तो निकाल लिया सर ये देखो इसमें से 4 निकाला root 2 plus root 3 इसमें से 2 निकाला root 2 plus root 3 ये दोनों कट हो गए 4 को 2 से डिवाइड कर 2 2 जाए तो 2 आंसर इसका आ गया फाइनल सब तो कट गया अगर यहाँ नीचे कुछ बचता तो रैशनलाइज करते अगर रूट में कोई बचता आप लोग बताया तो ना रूट में कोई भी टर्म बचे तो रैशनलाइज करो ऐसे रैशनलाइज मत करो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था बच्चों आप मेरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो नहीं आता मैं सारे क्वेश्चन बताऊंगा लेकिन आप लोग नहीं कर रहे देखो एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हो गए आपके फालतू के मार्क्स चले गए कितने ये 30th क्वेश्चन था बेटा अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर देखो इसमें बोला है ये तो खैर रानी ने सही किया है जो रॉन्ग है वो डिस्कस कर लेते हाँ रानी का ये क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर का ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आई थिंक आप लोगों को किसी को नहीं आएगा ऐसा मैं सोच रहा हूँ लेकिन तुम लोग मेरे को गलत साबित करके दिखाओ कि आप लोग सर आप गलत सोचते हो हमारे बारे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज 16 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज 10 फाइंड द वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी रानी वैसे ये आउट ऑफ कोर्स हो गए ये क्वेश्चन क्यों पूछा आप लोगों से हेलो रानी सर ये आउट ऑफ कोर्स ये कोर्स से आउट हो चुका है इस तरह के क्वेश्चन बाहर हो गए हैं चलो तुमसे पूछा तो भी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं ये कट हो चुका है क्या ये नहीं ये हो ये है सॉरी वो क्यूब वाला कट हुआ ये नहीं ये है कोर्स में सॉरी रानी रानी गलती से भी मत बोलना सॉरी मेरी गलती हो गई चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप लोगों को एक आइडिया बताऊं बहुत सिंपल तरीका आपको सर आ गया आंसर कितना आंसर निकाल लिया सर मतलब टोटल वैल्यू नहीं मतलब वो समझ में आ गया कि उसको कैसे करेंगे नहीं करेंगे कैसे इसका आंसर मेरे को बताओ Nine, रुक जाओ सर टाइम दो सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करो ना क्वेश्चन ये दिया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 16 है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 10 है तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होना चाहिए सर एक मिनट रुक जाओ सर अरे मैं बहुत ज्यादा रुक रहा हूँ कितना बोल प्रश्न तुम बताओ प्रश्न आज आए कि नहीं क्या आज क्रिकेट खेल रहे हैं प्रश्न क्रिकेट खेलने गए रानी मैडम क्या हो गया प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम नहीं बेटा ऐसा कि कम मार्क्स आए तो ऐसे कोई टेंशन नहीं बेटा लेकिन प्रैक्टिस बढ़ा दो नेक्स्ट एग्जाम में बेटा फुल करने की कोशिश करो चलो इस बार खराब हो गया नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करने की कोशिश करना बेटा कोई बताया धर्मराज तुम बताओ तुम्हारे तो एग्जाम आने वाले हैं धर्मराज भव्य डिंपल मंथन आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चन चलो मैं आपको बता देता हूँ सर पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं देखो मैं बताता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर करो इसका फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए एक आइडेंटिटी है जिसमें आपने टू कॉमन ले लिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दिया अब देखोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू आपको 16 दिया हुआ है आपने यहाँ 16 डाल दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू 10 दिया और 10 डाल दिया 16 प्लस 2 10 जा 20 तो आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अब देखते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन कौन से ऑप्शन राइट बैठ रहे हैं एक मिनट चेक कर ले इसका
कौन सा लगा क्वेश्चन सर? सिक्स होगा मैं देख रहा हूं, क्योंकि इन लोगों ने जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत दिए हैं। इसका आंसर नहीं सिक्स आएगा, 36 सिक्स सर, मैंने बोला सर मानते हैं, सॉरी मेरे से गलती हो गई। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, 36 किसका स्क्वायर 36 होता है? सिक्स का। ए प्लस बी प्लस सी इज सिक्स, सिक्स इज द करेक्ट आंसर। और रानी जी ने क्या डाला है? रानी जी ने बिल्कुल राइट आंसर डाला है। रानी कितना डाला आपने? एबीसी क्या डाला रानी? तुक्के में डाला था, सही में डाला था? सही में डाला था। तो सही है तुम्हारा, तुमने कैलकुलेट तो किया नहीं, इसमें कहीं दिखाया नहीं। अच्छे क्वेश्चन रानी, अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। तो मेरे को भेजना, तो बाकी बच्चों को भी मैं शेयर कर दूंगा, तो कम से कम वो प्रैक्टिस कर ले। जैसे ये है निश्चित है, श्रेयांशी है, जिस जिसके एग्जाम नहीं है तो उनको कोई बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आप एक थोड़ा सा अच्छी रहा, या स्वयं है इन लोगों के अभी एग्जाम होने वाले, तो उनको ये फायदा मिले। चलो आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर, क्योंकि अपना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो खत्म हो गया है। कॉन्ग्रुएंट सर हम लोग स्कूल में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा दिया आज। कौन सा प्रोबेबिलिटी? यस सर। चलो प्रोबेबिलिटी खत्म कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ईजी है, आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। देखो।